यहाँ से आपको सीधा नहीं जाना है, आपको राइट साइड करना है। तो ये रोड जाता है राजनांदगांव वाले हाईवे रोड में। तो हमारे साथ है मेघूराम चक्रधारी जी है, तो इसी का कलर लगा रहे हैं और ये भी मूर्ति बहुत सुंदर बना हुआ है राक्षस का। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर जाने वाला हूँ आपको थनौत गांव। और थनौत गांव छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव है दोस्तों जो अपनी मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं किस तरह से आप थनौत पहुँच सकते हो तो मैं आपको रास्ता बताऊँगा। और इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए जिससे आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो थनौत। तो अभी हूँ मैं दुर्गा के राजेंद्र पार्क में। तो थनौत पहुँचने से पहले आपको दुर्गा पहुँचना पड़ेगा। ये सामने देख रहे हो ना, तो एक ट्रैफिक सिग्नल वाला है, चौक है एक, और इसे राजेंद्र पार्क बोला जाता है। इसे राजेंद्र पार्क का एक उद्यान है और यहाँ से आपको मैं लेकर चलता हूँ थनौत। जो बालोद है उधर आगे बढ़ रहे हैं और आपको पुलगांव चौक तक जाना है। तो ये सामने आ रहा है ना, ये दुर्गा का बस स्टैंड है, ये देखो। तो आपको क्या क्या चीज़ पार करना है आप देखते चलिए। ये दुर्गा का बस स्टैंड। अभी जिला न्यायालय है, ये देखो साइड में। तो जिला न्यायालय भी आपको पार करना है और कंटिन्यू आप पुलगांव चौक तक आगे बढ़िए। पुलगांव चौक तक आपको बिना रुके चलना है। ये रोड है वो सीधा जाता है, लेकिन आपको सीधा नहीं जाना है, आपको लेफ्ट साइड ही जाना है। इस रोड को आपको छोड़ना नहीं है। तो जैसे आप उस चौक से आगे आओगे तो आपको पुल देखने को मिलेगा। तो आपको पुल के ऊपर से जाना है, देखो इस तरह से, इस तरह का आपको पुल देखने को मिलता है। और ये सीधा आपको बालो दल्ली राजड़ा ये सब सिटी आपको लेकर जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस रोड में जाओगे तो बालोद मिलेगा और आपको अभी पुलगांव तक ही जाना है। तो जहाँ पर पुलगांव चौक आएगा ना, मैं आपको दिखला दूँगा। हम लोग पहुंच चुके हैं पुलगांव चौक। तो ये है पुलगांव चौक और इधर से आपको दुर्गा से आना है। तो हम लोग दुर्गा से पहुंच चुके हैं पुलगांव चौक और यहाँ पर आपको एक मूर्ति भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको सीधा नहीं जाना है, आपको राइट साइड करना है। तो ये रोड जाता है राजनांदगांव वाले हाईवे रोड में। तो ये देख सकते हो ना, तो चलिए आगे और दिखलाता हूँ। और आपको राजनांदगांव तरफ यहाँ से कटना है। आप पुलगांव चौक से थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा और आगे ही एक पुल देखने को मिलेगा। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ के बारे में पूरा जानकारी। तो आपको बोर्ड भी दिखलाते हैं, 53 और राजनांदगांव नागपुर, ये सब के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। मैं दोस्तों अंजोरा के चौक में, इसे अंजोरा चौक बोला जाता है। तो इस तरफ से हम लोग पुलगांव चौक से आए हुए हैं और अगर आप सीधा जाते हो तो आपको मिलेगा जो राजनांदगांव वाला हाईवे है और यहाँ से थनौत है वो 3 किलोमीटर है। और देख सकते हो इधर से आए आएंगे अपन अंजोरा से और आगे जस्ट ये है थनौत और यहाँ पर आपको मूर्ति बनते हुए कलर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और आपको पंडाल वगैरह दिखलाता हूँ किस तरह से पंडाल में यहाँ पर मूर्ति बनाया जा रहा है। इसका मैं नाम और नंबर भी दिखला देता हूँ। तो इसका बोर्ड लगा हुआ है मेघूराम चक्रधारी थनौत और इसका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आपको मूर्ति दिखलाता हूँ, अगर पसंद आता है तो आप इस नंबर में कॉल करके ऑर्डर भी दे सकते हो। नहीं, आप देखोगे मेघूराम चक्रधारी के पास है तो भैया लोग है जो काम कर रहे हैं, लकड़ियों का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर में दुर्गा जी का मूर्ति लगाया जाता है। तो भैया लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कोरोना काल में मेहनत कर रहे हैं। पेंट्री करोगे तो इस तरह का मूर्ति, छोटा छोटा मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट ये
एंट्री करते हुए आप देख सकते हो इस तरह का दुर्गा जी का एक बड़ा सा मूर्ति है। तो कितना बड़ा मूर्ति है आप देखो, और बहुत सारे हाथ हैं, मतलब काफ़ी सुंदर मूर्ति हैं, राक्षस है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बहुत सारे आपको दुर्गा जी के मूर्ति देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं कलर वाला मूर्ति देखने के लिए आया हूँ। तो चलिए दिखलाते हैं कि कौन कौन सा मूर्ति है, वो कलर हो चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा सा मूर्ति है, लेकिन कुछ कुछ में कलर नहीं हुआ है, और जस्ट नवरात्रि पास आते जाएगा तो इन सब मूर्तियों में भी कलर हो जाएगा। तो आपको मैं दिखलाता हूँ कि इस तरह का मूर्ति है दोस्तों, जो अभी बुक नहीं हुआ है। भैया लोग पहले से बना कर रखे हुए हैं, लेकिन ये बुक नहीं हुआ। इसमें अगर आपको ऑर्डर करना है तो ये तुरंत कलर कर देंगे और आपको दे देंगे। इस तरह का है ये मूर्ति, आप देख सकते हो। तो बड़ा साइज का मूर्ति है, और कोरोना के वजह से सब कैंसिल हो गया, और जैसे कि सरकार ने छोटा छोटा साइज का ही मूर्ति बोले थे, तो इस वजह से सब छोटे साइज का मूर्ति दिए। इस वजह से ये सब बड़े मूर्ति हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। मूर्ति में पुट्टी वगैरह हो गया है, उसमें कलर वगैरह होगा, और इसमें आप देख सकते हो कि माँ दुर्गा पूरी तरह से तैयार है, आप रेडी है देख सकते हो। तो शेर को भी देख सकते हो, कितना सुंदर शेर है, और इसमें आप दुर्गा माता पूरे तरह से तैयार है, इसे जहाँ भेजना है उसे भेजा जा सकता है। तो ये वाला मूर्ति है दोस्तों, मरेठी जाएगा, बोल रहे हैं कि यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ जाएगा ये मूर्ति, और रेडी है इसे भेजने के लिए। और ये उसके बाद ये वाला मूर्ति, इसमें भी कलर वगैरह हो गया है, और कुछ कुछ साइन और इसमें दिया जाएगा, कुछ कुछ साइन दिया जाएगा, फिर मूर्ति तैयार। क्या आप यहाँ पर आओगे तो कुछ कुछ पुट्टी हुआ है मूर्तियों में, और इस तरह का विशाल गणेश जी का मूर्ति है जो सीजन में नहीं निकला, वो रुका हुआ है। उसके बाद फिर एकदम छोटा छोटा मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आपको छोटा छोटा मूर्ति यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है ना, तो ये सब मूर्ति का रेट है वो 10,000 के आसपास बताया जा रहा है। देखो किस तरह का छोटा छोटा मूर्ति है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर से इसको कलर किया गया है, और इसमें जो कलाकारी किया गया है इसमें वो देखने लायक है। बहुत ही प्यारा मूर्ति है, और इस तरह का पूरा मूर्ति है। उसके बाद ये बड़ा साइज का है, तो जो बड़ा साइज का है वो 1000 से 25,000 के आसपास का ये मूर्ति है जो बड़ा साइज का है। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हो छोटा छोटा मूर्ति है, पूरा कलर होने के लिए भी बाकी है। तो छोटा साइज का है, और देखने में काफी आकर्षक है दोस्तों ये सब मूर्ति। तो ना कितना छोटा सा मूर्ति है, और बहुत प्यारा लग रहा है मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति है देख सकते हो। और इधर तो कुछ हद तक अच्छा ही है, बड़ा है साइज। जो गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है, तो सीजन में कोरोना की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आया है मूर्तिकारों को, तो इस वजह से सब मूर्ति रुका हुआ है। और इस बार देख सकते हो कितना सारा मूर्ति यहाँ पर है, लेकिन वही प्रॉब्लम है दोस्तों, कोरोना के वजह से सब मूर्ति रुक चुका है, नहीं तो ये सब मूर्ति निकल जाता, और सरकार के जो गाइडलाइन है उसी के वजह से सब मूर्ति को रोकना पड़ा है। तो एक से बढ़ के एक यहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है, पूरा बहुत सारा मूर्ति है, और बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति है ये देखो। लेकिन कुछ कुछ मूर्ति ही यहाँ पर इसे ऑर्डर किया गया है कम हाइट की वजह से, और बड़ा हाइट के जो मूर्ति है वो सब रुकी हुई है। देख सकते हो किस तरह से कलर किया जा रहा है राक्षस को, छोटा सा भाई है जो कलर लगा रहा है। और ये भी मूर्ति बहुत सुंदर बना हुआ है राक्षस का, इसकी काफ़ी सुंदर है दोस्तों, लेकिन जब इसमें कलर हो जाएगा तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। मूर्ति आप देख रहे हो ना, बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम हैं थनौद में, और हमारे साथ है मेघूराम चक्रधारी जी है, तो इसी के पंडाल में है, और भैया से जानते हैं कि कितना मूर्ति का ऑर्डर आया है भैया के पास। तो भैया बताइए कितना ऑर्डर है आपके पास? जी 13 मूर्ति का ऑर्डर है जी। और कोरोना की वजह से कितना मूर्ति रुक गया है? अभी तो
15 मूर्ति रुक गए। अच्छा, कोरोना की वजह से 15 मूर्ति रुक गए। अच्छा, तो मैं भैया का नंबर भी दे दिया हूँ, आपने मूर्ति भी देखा कि भैया के पास किस तरह का मूर्ति बनाया जाता है, तो आप उस नंबर में ऑर्डर करके किसी भी समय, जैसे गणेश के समय, दुर्गा के समय, आप ऑर्डर दे सकते हो। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।